हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपने दुकान पे हैं और दो दिन से बहुत तेज़ तूफान चल रहा था और बहुत धूल उड़ रही थी। तो देखिए हमारे दुकान का हालत क्या हो गया है। आप देख सकते हैं पूरी दुकान में धूल ही धूल हो गई थी। तो आज हमने इसका नया जुगाड़ कर दिया है। देखिए आज हमने लगा दिया है ये पॉलीथीन। ये देख सकते हैं हमने पॉलीथीन लगा दिया है। ये दोनों दुकानों में पॉलीथीन लगा दिए हैं। चलिए आपको दूसरे दुकान में भी दिखा देते हैं। इसमें ये पॉलीथीन थोड़ा गंदी हो गई है। ये देखिए पॉलीथीन थोड़ा गंदी हो गई है क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले हमने लगा दिया था, तो इसलिए बहुत गंदी हो गई है। दोस्तों, दो तीन दिनों से बहुत तूफान चल रहा था और दोनों दुकानों में इतना धूल भर गया था कि जैसे लग रहा था कि किसी ने मुट्ठी में भर के धूल और सारे कपड़ों के अंदर कर दिया है। इतने धूल इसमें हो गई थी कि सारे कपड़े और जितने भी हमारा सामान है ये सब पूरा एकदम धूल ही धूल हो गया है। फर्श पे भी दो तीन, आज हम जब से आंधी तूफान चला तब से सफाई कर रहे हैं दोनों टाइम, लेकिन पूरी तरीके से सफाई नहीं हो रही है। चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या क्या हमारे दुकान में बिकता है। तो दोस्तों, हमारे दुकान पे थान के कपड़े हैं, कुछ रेडीमेड है, साड़ी सूट भी मिल जाता है और टेलर मटेरियल का पूरा सामान हम रखते हैं। आप देख सकते हैं ये लेस, ये हमारे सामने लेस लगा हुआ है। ये सारा लेस हमारे दुकान पे आपको मिल जाएगा। और होलसेल नहीं रखते हैं, लेकिन अब आगे सोच रहे हैं होलसेल रखने के लिए। और फुटकर हमेशा हमारे यहाँ मिलता है, फुटकर हम बेचते हैं अभी, लेकिन कभी कभी होलसेल भी थोड़ा बहुत लेके आते हैं। पूंजी की थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं हो पाता है। और थान के कपड़े आप देख लीजिए, थान के कपड़े लगे हुए हैं और पर ये पूरा थान के कपड़े हैं। इसमें आपको ब्रासो, क्रेप और सूती क्रेप प्रिंट और पीसी हो गया, पापलिन हो गया और बहुत सारे कपड़े आपको यहाँ ये देख सकते हैं। फॉयल प्रिंट भी आया है, नया कपड़ा एक फॉयल प्रिंट आ गया है, आप देख लीजिए। ये देखिए फॉयल प्रिंट है, ये सारे फॉयल प्रिंट कपड़े हैं। और ये प्रिंट है रेयान प्रिंट, ये 16 kg का कपड़ा है, इसकी वैरायटी है 16 kg की। ये 20-24 meter के थान आते हैं, ये फुटकर में हम काट काट के बेचते हैं। तो दोस्तों, ये लेस की है सारी वैरायटी। ये देखिए इसमें बहुत सारे पतले और चौड़े सारे लेसेस लगी हुई हैं। ये सब लेसें हैं आप देख सकते हैं। ये लटकन भी थोड़ा बहुत इधर रखे हुए हैं और लटकन बहुत सारे अंदर रखे हुए हैं। ये धागे की वैरायटी है और ये अस्तर लगे हुए हैं, छोटा अस्तर, बड़ा अस्तर, सारे अस्तर। और इधर है दुपट्टा, ये दुपट्टे लगाए हुए हैं, ऊपर भी दुपट्टे लगे हुए हैं, इधर भी कई सारे दुपट्टे लगे हुए हैं, बहुत सारी डिजाइनें हैं दुपट्टे की। और ये आ गए दूसरी दुकान में, इसको हम स्टोर रूम बना रखे हैं, इसमें सारा स्टोर लगभग रखते हैं। इधर क्रेप लगा हुआ है थान, ये क्रेप थान है। और यहाँ भी सामान सब थोड़ा बहुत लगा हुआ है, इसे देख लीजिए। ये सब इधर हो गया, देखिए ये नेट लगा हुआ है जो बाजू में लगता था पहले, नेट ब्लाउज में और सूट में, आज ये बेकार हो चुका है क्योंकि ये बहुत कम बिकता है, उतनी इसकी डिमांड नहीं है। और देख सकते हैं ये सब लेस ही लगा हुआ है, पूरा लेस ही है। ज़्यादातर हमारा काम लेस का ही है क्योंकि कपड़े का काम हमारा ठप हो गया है, कपड़ा उतना नहीं बिक पाता है क्योंकि अब कंपटीशन का इतना समय हो गया है कि अब अगर लाते हैं आप तो ज़्यादातर बिकता नहीं है। हर महीने डिजाइन चेंज हो रही है इसलिए अब नहीं बिक पाता है कपड़े, कपड़े में पैसे फंसाना बेकार है, इसलिए अब हम लेस और टेलर मटेरियल ही बेचते हैं। कपड़े का काम थोड़ा हमारा ठप हो गया है। दोस्तों, ये जो पॉलीथीन आपको बता रहे थे, ये मोटी पॉलीथीन आती है, इसको एसी वाली पॉलीथीन में कहते हैं। ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा गंदी हो गई है। इस वाली में देख लीजिए अभी नया है, इसमें पूरा आर पार दिखता है, शीशे जैसी पूरा है। ये 150 से 200 रुपये मीटर के आसपास मिल जाती है। जहाँ पे त्रिपाल वगैरह मिलता है पॉलीथीन का, वहीं पर मिल जाती है, इसको एसी वाली पन्नी कहते हैं। ये बिल्कुल शीशे जैसी होती है, आप देख सकते हैं। ये बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर से थोड़ा कम दिखता है, लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो बहुत साफ दिख, जैसे लगता है शीशा लगा हुआ है। और रात में अंदर का बहुत अच्छा दिखता है, जब अंदर लाइट जलती है तो बाहर से अगर देखेंगे तो पूरा साफ साफ दिखता है पूरा। दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है, अगर गंदी हो जाती है तो इसको आप धो भी सकते हैं। इसको एक बार धोए हैं, बहुत गंदी हो गई थी, धोए हैं, ये साफ़ हो गई है और बिल्कुल पहले जैसे दिख रही है, क्योंकि इस पर ज़्यादा स्क्रैच नहीं लगता है, स्क्रैच प्रूफ होती है पॉलीथीन, और इसको आप धो सकते हैं, इतना गंदा नहीं दिखता है ज़्यादा अगर आप धो देंगे तो। तो दोस्तों, अगर आप कपड़े का व्यापार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हम आपको बताएंगे कपड़े में क्या करना है और कैसे करना है ताकि आपको नुकसान ना हो, क्योंकि शुरुआत में अगर करेंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि शुरुआत जब आप करेंगे तो जो आप लाएँगे हो सकता है वो कस्टमर को पसंद ना आए, इसलिए हम आपको नए नए तरीके बताएँगे कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लगभग 5-6 साल से एक कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं और अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दुकान को लगभग 5-6 साल हो गए हैं और हमें इतना अनुभव हो गया है कि कैसे क्या कस्टमर को चाहिए, तो उसी हिसाब से हम सामान लाते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो। और अगर आप डायरेक्ट
एक बार में ही माल ले आते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और बताएं, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको एक बिजनेस करना है कपड़े का।